Hi, I'm Rakhi Sawant and you're watching BollywoodHangama.com. Keep watching. तो आप लोग, आपके जो वन लाइनर्स होते हैं आई थिंक बहुत दिलचस्प होते हैं। आपने कहा था कि मैं लीला को गीला करने के लिए आई हूँ। हाँ, लीला तो सनी थी ना। जी जी बिल्कुल। तो अभी मैं एक कहानी जूली की फिल्म कर रही हूँ जी, उसकी लीला थी, एक कहानी लीला की राइट कुछ थी ना। तो अभी एक कहानी जूली की, अब सब मेरे हिंदुस्तान की, मेरी जनता, मेरे फैंस जज करे कि लीला को गीला किया कि नहीं। एक कहानी जूली से मैं उसको गीला कर दूंगी पूरा, उससे बेस्ट एक्टिंग करूंगी, उससे बेस्ट एक्सपोज करूंगी, उससे बेस्ट डांस करूंगी राइट। और सेमी न्यूड सीन्स थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, पॉर्न फिल्म्स जैसा नहीं। यही समझ में आया कि उसके अंदर सेमी न्यूड सीन्स हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। वो मेरी फिल्म की डिमांड है, मैं ये सब कभी नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरी स्क्रिप्ट की डिमांड है ऐसी, तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मुझे बॉडी दिखाना पसंद नहीं है राइट, लेकिन जब राइटर डायरेक्टर कहते हैं तो थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। कुछ जनता जो है ना जी, बिल्कुल थोड़ी अलग टाइप की है, वो टिकट तब खरीदती है जब उनको कुछ फिल्म में दिखता है मसाला। बिल्कुल अलग अलग टाइप की जनता है। कुछ अलग जनता है जिन्हें अच्छा फैमिली ड्रामा एक्शन सब चाहिए जी। कुछ दूसरी जनता है, उन्हें सेक्स ये चाहिए, कोना पकड़ने के लिए कपल के साथ। बिल्कुल मासीज, मैं क्लासिस की नहीं, राखी सावंत मासीज की हीरोइन है। बिल्कुल। और मेरी फिल्म को हिट करने के लिए मेरी मासीज पब्लिक है। एब्सोल्युटली मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हाई सोसाइटी ये ब्ला ब्ला ब्ला। क्लासिस भी मुझे प्यार करती है, मासीज भी मुझे प्यार करती है। मासीज कहती है लेकिन क्लासिस थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझे। अभी जो एक सीपीआई के एक लीडर थे, उन्होंने कहा था कि दैट जो सनी लियोनी का जो कॉन्डम का ऐड है, तो उससे कहीं ना कहीं एक रेप की एक प्रवृत्ति एक उसमें मर्दों में कहीं ना कहीं आती है। तो आपने कुछ हद तक आपने कहा था कि ये जो उनका स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से शायद उस तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं। बाद में आपने ये भी कहा था कि आई एम नॉट सपोर्टिंग हर समवेयर, बट डू यू फील दैट जो एक मर्दों का जो एक रवैया है कॉन्डम की ऐड तो होनी चाहिए जी, वो जरूरी है जी, ताकि यंग जनरेशन को पता चले व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्डम। बिल्कुल सिक्योरिटी है उन्हें जी, क्योंकि यंग एज में लोगों बच्चों को किसी को पता नहीं चलता, तो अवेयरनेस के लिए वो बहुत जरूरी है। बीमारी भी फैल सकती है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो यू नो, सो कॉन्डम की एड अवेयरनेस करने के लिए वो बहुत जरूरी है। मुझे भी वो एड, मुझे भी आई थी, ऑफर हुई थी जी मैनफोर्स का मैं कर नहीं पाई थोड़ा। ओके ऐसा कुछ नहीं, मेरी डेट्स नहीं मिली थी, मेरा अमाउंट नहीं मिला था, तो उन्होंने सनी लियोनी को ले लिया। मतलब उन्होंने कम पैसे में आपसे उन्होंने वो कर दिया। हाँ, एक दो लड़कियां जो है सनी लियोनी और वीना मलिक, वो मैं हमेशा मैं जब मुझे जो चीजें मिलती है मेरे प्राइस से कम नीचे प्राइस में जाके वो लोग कर लेते हैं। अच्छा लग दैट, दिखाने के लिए मुझे देखो तुम्हारी एड मैं कर रही हूँ जी। भैया भैया कर ले खुश हो जा, तेरी बैंक में थोड़ा डिपॉजिट कर ले अपने पैसे। क्या बात है। एक कहानी जूली की, इंद्राणी मुखर्जी की, अभी जो सारा एपिसोड हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड है ना। आपने कहा है कि दैट वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी एंड यू न्यू हर वेरी वेरी क्लोजली इन फैक्ट समवेयर, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि दैट आप कितना करीब से उनको जानती थी और क्या इसके अंदर एंगल लिया जाएगा, बिकॉज अपेरेंटली शी हैज़ कन्फेस्ड कि उन्होंने ये मर्डर उन्होंने अपनी बेटी का उन्होंने किया था, तो एक बड़ा दर्दनाक सा, एक पूरा मुल्क, पूरा दुनिया हिल चुकी है इस केस के। दर्द है, मैं तो दुनिया की माखी आंख, दुनिया को तो हटाओ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंद्राणी पे क्या गुजर रही होगी जी। शी इज़ अ सच अ नाइस लेडी, कितना संघर्ष किया एक हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड, थर्ड हस्बैंड तक पहुँचने के लिए। लोगों को बहुत मजाक लगता है लेकिन जर्नी चांद पाने की, या मतलब एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए, एक लड़की को पहली शादी होती है उससे दो बच्चे होते हैं, फिर मेंटेन करें, फिर दूसरी शादी करके एक बच्चा होता है, फिर मेंटेन करके, फिर थर्ड पति को पटाना, फिर लव होना, फिर शादी होनी, बिजनेस टाइकून बनना। बिल्कुल। और फिर सब उसे ब्लैकमेल करते हैं, इतने रिश्ते नाते। बिल्कुल। एक अकेली जान। बिल्कुल। कितना सहा होगा। बिल्कुल। एक औरत ने अपने कोक से जन्म दिए बच्चे को क्यों मारा, अपनी बेटी को जो मैं जानती हूँ शीना को जी, बिल्कुल, जो जान से ज्यादा प्यारी थी शीना, उसे क्यों मारा होगा, ऐसा क्या प्रेशर रहा होगा,
लोगों लोग तो उसे गालियां दे रहे होंगे, हाय हाय कैसी माँ है, हाय हाय अपनी बेटी को मार, अरे तुम लोग को क्या मालूम? एब्सोल्युटली कोई क्यों मारेगा? मुझे सब कहते हैं, मैंने बोला कितना दुख, बता हम तो इस लेडी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे तुम पे वो बनेगी तो तुमसे भी मर्डर हो जाएगा जब तुम अपनी बेटी को बिगड़ते हुए देखोगे। तो आप कहीं ना कहीं कह रही हैं, आप जस्टिफाई कर रही हैं उस मर्डर को? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंद्राणी की पोजीशन को समझाने की कोशिश कर रही। दैट इज रॉन्ग, उन्होंने मर्डर किया, दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल। ये मैं आज भी कहती हूँ, वो उनकी एक गलती थी, उन्हें लगा पता नहीं चलेगा, लेकिन गॉड का न्याय जो है स्वर्ग और नर्क यही है, मरने के बाद पता नहीं क्या होता है। 100% इनफैक्ट आपने ये भी कहा है कि एब्सोल्युटली कि सर्टेन चीजें, सर्टेन डिटेल्स इस पूरे केस में, सर्टेन इस उनकी लाइफ से रिलेटेड जो आपको पता है वो शायद किसी को भी नहीं पता होंगे, और वो आप इस फिल्म में डेफिनेटली जो मुझे पता है वो ना महेश भट्ट को पता है, ना और किसी पुलिस को पता है, ना किसी जनता को पता है, ना मीडिया को पता है, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, वो कैसे डांस करती थी, कैसे पार्टी करती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, उसे बाहर उसकी ख्वाहिशें क्या थी, वो कितने स्ट्रेस में थी, वो अब्रॉड घूमने जाती थी, उसे कितने ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, क्या 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 चीजें। शीना को जब मुझे पहली बार मिलाया तो कैसे मिलाया, मेरी तो आंखें गवाह है ना, बिल्कुल, मैं तो खुद गवाह हूँ। आपने उनके रियलिटी शो में आपने किए हैं उनके उनके साथ, उनके दो रियलिटी शोज किए उनके साथ, कितना वक्त गुजारा, एक रियलिटी शो 4 महीने का, क्या बात, दो रियलिटी शो 1 साल का, 1 साल से भी ज्यादा, 1 साल तो वो, 1.5 साल तो वो गया, फिर दूसरा रियलिटी शो चालू हुआ मिक्का के साथ, जी जी जी, शी वाज द ओनर, 3 रियलिटी शो, एक तो आधा में बंद हो गया, चैनल बंद हो गया, पता नहीं क्यों हो गया बंद, तो वो प्लस हम कंटिन्यू, तो मैं, वो तो मेरी हमारी कंपनी की सीईओ थी, तो मेरा तो कंटिन्यू दोस्ती, मेरी पार्टी शार्टी सब चलती रहती थी, हम जब ड्रिंक करके ड्रंक हो जाते थे तो मुझसे खूब नचवाती थी, अच्छा, बड़ा मजा आता था, उन्हें मेरा डांस बहुत पसंद था, कितना कमान रखी, बहुत बहुत मजा आता था, राइट। आपने कहा है कि दैट भट्ट साहब की फिल्म से पहले आपकी फिल्म आपकी आ जाएगी, लेकिन अपेरेंटली फिल्म बना रहे जी जी, कांति शाह ने भी अपेरेंटली कोई फिल्म इस पे, शायद शीना मर्डर केस करके कोई, शायद कोई फिल्म बना रहे हैं वो, ये कौन है अभी नया, कांति शाह, कांति कौन है, कांति शाह एक, ये यार चौंका क्यों रहे हो यार, जी तो आई थिंक वो उनका भी शायद ही स्पीडिंग अप इट एज वेल सर, रियली, जी जी जी, आपको इसके बारे में पता नहीं था शायद, मुझे महेश भट्ट का पता है कि महेश भट्ट जी बना रहे, Right. लेकिन हम लोग डे नाइट शूटिंग करके हम लोग पहले हमारी फिल्म बना रहे हैं। तो कब तक आपके इसके फिल्म के आने हमारी 5 महीने में रेडी हो जाएगी, 5 महीने में फिल्म रेडी हो जाएगी, 5-6 महीने में, गाने वाने सब मिला के हम लोग इसमें थोड़ा फिल्मी स्टाइल बनाएंगे, थोड़ा तड़का वड़का लगा के, राइट। गाने कितने हैं इसके अंदर? 5-6 गाने होंगे, अच्छा, कुछ मतलब आइटम सॉन्ग टाइप के भी चीजें, एक आधा होगा, एक आधा फिल्म का है तो थोड़ा 100% वो हम लोग थोड़ा फिल्मी थोड़ा सा बना देंगे, राइट राइट, थोड़ा बहुत, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एक आध आइटम सॉन्ग तो डाल देंगे, देखते हैं कैसे इसको कैसे फिट किया जाए, जी एक्चुअली इंद्राणी की स्टोरी में लेके जाए तो हो नहीं सकता, बट डालना है तो कैसे फिट करेंगे, क्या होगा पता नहीं, राइट।